हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग्स। होप सो कि आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से टेस्टी और मज़ेदार सा पराठा। ये खाने में है काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार सा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दो कच्चे आलू ले लेने हैं, इनको पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद इनको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इनका हमने कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से हमें लंबे लंबे कद्दूकस करेंगे ताकि हमारे लिए अच्छे अच्छे से बन जाए। तो आलू हो चुके हैं कद्दूकस, इनको सारा जो हमने स्टार्च है वो निकाल लेना निचोड़ते हुए। और ये रेसिपी फटाफट से बन जाएगी और आपको खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। और दही और हरी चटनी के साथ तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए आलू के लच्छे हमारे तैयार हैं। अभी हमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें डाल देना कॉर्न स्टार्च, ये मैंने 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़े से डाल देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे घी या ऑयल, इसको कर लेंगे मिक्स। इसको हमने रखना नहीं है, कोई इसका हमने पानी वगैरह नहीं निकालना। अब तो देखिए इस तरह से इसको एक बार अच्छे से मिला के और गैस पर रख देंगे पैन या तवा। तो देखिए इस तरह से इसके लच्छे कितने बढ़िया बनकर तैयार हो चुके हैं। पे लगा दिया है मैंने 2 से 3 बूंद घी का और गैस को कर दिया ऑन और उसको फैला दिया। अब इसे हमने आलू का मिक्सचर बनाकर रखा था उसको इस तरह से हाथ से डाल देंगे और इसको हम गोलाकार शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से बाद में चम्मच से सेट कर देंगे जो हमारे लच्छे बाहर निकले हुए हैं और इस तरह से दबाते हुए इसको प्रेस कर देंगे और रोटी की शेप दे देंगे। और इसको हमने आराम आराम से धीरे धीरे मीडियम टू स्लो गैस पर सेकना है ताकि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। और इसमें डाल देंगे 2 बूंद घी। अच्छे से सीख चुका है, इसको हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे दूसरी तरफ से 1 से 2 बूंद। ये 1 चम्मच से भी कम में घी में तैयार हो जाता है हमारा पराठा और खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रेसिपी घर पर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। इसे सीखने में लगभग हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये ऊपर से रहेगा क्रिस्पी और अंदर से रहेगा क्रंची। तो देखिए सर टर्न करते हुए हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है। ना इसमें हमने कोई आटे का यूज़ किया है, ना ही मैदे का यूज़ किया है, सिर्फ आलू से ही हमारा इतना टेस्टी और मज़ेदार सा पराठा बनकर हो चुका है तैयार। तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम कसूरी मेथी भी डाल के इसको खा सकते हैं। इसको काट लेंगे पिज्ज़ा कटर से। देखिए इसके लच्छे एक किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाले, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल ताकि वो चटपटा बन जाए ये। तो इसका एक पीस निकाल लेंगे कटर से। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो रहा है और खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।